अरे हम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे इस नया वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में देख सकते हो एक छोटा सा सिंहासन पर बैठा हुआ एक छोटा सा गणेश मूर्ति बना रहे हैं। स्क्वायर का एक छोटा सा आसन बना लिए और उसके बाद बड़ा करके और एक आसन बना के उसके ऊपर मतलब ज्वाइंट कर दिए, तो हो गया बड़ा सा आसन बना दिए ऐसे करके। और साइड साइड में देख सकते हो ऐसे करके थोड़ा कॉयल बना के वहाँ पे चिपका देंगे, एक तरह का आसन बन गया। दोस्तों, सिंहासन बनाने के बाद दोस्तों देख सकते हो एक कॉयल बना के हम बना रहे पैर। कॉयल को पैर बनाने के लिए दोस्तों नीचे के साइड थोड़ा पतला करके ऊपर के साइड में थोड़ा मोटा कर देंगे, ऐसे करके दो बना लेंगे, तो हो जाएगा दो पैर के लिए दो। दोनों बनाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह रख देंगे और उसके बाद दोस्तों एक बड़ा सा मतलब बड़ा सा गोल बना के वहाँ पे पेट के लिए बना देंगे। देख सकते हो कुछ इस तरह वहाँ पे सेट कर देंगे और चिपका देंगे मिट्टी से, और जहाँ जहाँ पे मिट्टी थोड़ा थोड़ा ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे डाल देंगे और अच्छे तरह से बना लेंगे कुछ इस तरह। दोस्तों पेट बनाने के बाद दोस्तों देख सकते हो अभी हम हाथ बना रहे हैं। हाथ बनाने के लिए दोस्तों एक पतला सा कॉइल दो बना लेंगे। दो कॉइल बना के दोस्तों दोनों तरफ हाथ का स्ट्रक्चर देखे वहाँ पे मतलब थोड़ा बैंड करके वहाँ पे दो साइड में कर देंगे कुछ इस तरह। देख सकते हो कर दिए ऐसे करके वहाँ पे जोड़ देंगे, तो हो गया हाथ। हाथ बनाने के बाद दोस्तों देख सकते हो अभी हम गणेश भगवान की धोती बना रहे हैं। धोती बनाने के लिए दोस्तों साइड साइड में चिपका देंगे कुछ इस तरह देख सकते हो, और चपटा चपटा कर लेंगे और उसके बाद वहाँ पे स्ट्रक्चर दे देंगे जैसे मैं देख कर रहा हूँ। इस तरह आप लोग भी यदि मतलब गणेश चतुर्थी के अवसर पर कुछ मूर्ति बनाना चाहते हैं तो अच्छे से देखते रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ तक हमारे वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बने रहना वीडियो में, अब जैसे जैसे बनाते जा रहा हूँ अच्छे से देखते रहिएगा। स्ट्रक्चर लाइन खींचने के बाद दोस्तों देख सकते हो हम ब्रश के मदद से कुछ इसी तरह वहाँ पर फिनिशिंग कर देंगे। देख सकते हो हम लोग जैसे कर रहे हैं ऐसे कर देंगे आप लोग भी। और दोस्तों ऐसे करने के बाद दोस्तों हमारा धोती जो है कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो। धोती बनाने के बाद दोस्तों कमर हम लोग देख सकते हो कमर बंधन गहना वगैरह बना रही है, जैसे देख सकते हो इसी तरह बना देंगे।
और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करने के लिए टूल की मदद से बना देंगे, कुछ इस तरह देख सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। गहने वगैरह बनाने के बाद दोस्तों देख सकते हो अभी हम गणेश जी की सूंड बना रहे हैं। सूंड बनाने के लिए दोस्तों एक पतला सा कॉइल बना के वहाँ पे जैसे सूंड होता है वैसे मोड़ देंगे और वहाँ पे चिपका कर कुछ इस तरह वहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे और दोनों तरफ के साइड में जितना मिट्टी ज़रूरत है वो उतना उतना देते चले जाएंगे और पेस्ट को बना लेंगे। दैवत मुझा विनायका, दैवत मुझा विनायका, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। अभी देख सकते हो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं खान। खाना बनाने के लिए दोस्तों एक पतला करके वहाँ पे कुछ कान की तरह डिज़ाइन करके वहाँ पे चिपका देंगे और दूसरी तरफ भी कुछ इस तरह ही बना के वहाँ पे जॉइंट कर लेंगे तो हो जाएगा दो तरफ की दो कान। कान बनाने के बाद दोस्तों देख सकते हो गणेश भगवान की भाल बन रहे हैं। भाल बनाने के लिए दोस्तों वहाँ पे ऊपर में मिट्टी दे के वहाँ पे कुछ इस तरह बनाते जाएंगे। बाल बनाने के बाद दोस्तों अब देख सकते हो गणेश भगवान की आंख बना रहे हैं। पतला सा और ज़्यादा सुई की तरह होना चाहिए उसी तरह कि एक टूल लेंगे और वहाँ पे खींच लेंगे आँख के लिए। देख सकते हो कुछ इस तरह खींच लिए और वहाँ पे कुछ इस तरह बना देंगे आँख को। और दोस्तों हो गया बन चुका है हमारा आँख। दोस्तों अभी देख सकते हो मूसिक राज को बना रहे हैं। मूसिक राज को बनाने के साथ ही हमारा मूर्ति जो है वो कंप्लीट हो चुकी है देख सकते हो। और फाइनल लुक में कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं गणेश भगवान जी देख सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। जो हिंद, अपना ख्याल रखना। और दोस्तों शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।